थोड़ा सा प्रे करना, आज काम हो जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो गाइस, मेरा जो पुराना वाला घड़ी है उसको मैंने बेचने डाल दिया है कल थोड़ा सा बाहर निकल के, और आज मैं फिर से पहन रही हूँ। आफ्टर टू थ्री इयर्स मैं इस घड़ी को पहन रही हूँ। मुझे बहुत पसंद था ये, जब लेते वक्त ड्रेसबेरी का है। आज फिर से इसको मुझे पहनने के लिए मिला है। यहाँ पे टाइम है 6:11 और हमारा ट्रेन है 7:15 AM को। तो हम लोग ऑलरेडी वेटिंग रूम से निकल के आ गया है। हम लोग अभी जाएंगे हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, ऊपर से जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेन है उसको छोड़ के और एक ट्रेन पे, ऑलरेडी ट्रेन आके रुका हुआ है शायद। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ये रहा ट्रेन, छोटा वाला ओनली जनरल सीट। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ट्रेन भी है यहाँ पे ऑलरेडी। ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोच ही है यहाँ पे, छोटा सा ट्रेन है उतना तक। सामान साइड 1 और 2 वाला सीट हमने ले लिया है। यहाँ पे हम लोग को मिल गया है खाली ट्रेन पे, हमारा चॉइस का हिसाब से, चॉइस के हिसाब से सीट और इमरजेंसी खिड़की भी मिल गई है। लास्ट वाला वीडियो पे आप लोग ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा किसी ने नहीं देखा होगा कि हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग पे स्टार्ट कर रही है गुवाहाटी वाला ब्लॉग। मेरा पासपोर्ट का जो पेंडिंग काम है वो हम फुल करने जा रहे हैं, जो पेंडिंग है उसका हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं लामडिंग स्टेशन टू गुवाहाटी, और लामडिंग स्टेशन टू गुवाहाटी हम लोग जाके जल्दी में काम ख़त्म करके शाम नीतरे घूमना, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन और रात का ट्रेन हम लोग फिर से वहाँ पे वेट करेंगे। रात का ट्रेन से गुवाहाटी से सिलचर तक हम लोग जाएंगे, सिलचर से फिर हमारा जो गांव का स्टेशन है मोनो स्टेशन, वहाँ पे हम लोग उतरने को मिल जाएगा। फाइनली इन स्टेशन, ट्रेन से हम लोग निकल गए हैं। अभी जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, वहाँ पे देखते हैं क्या किया जाए। फाइनली स्टेशन के बाहर तक आके पहुँच गई है। आज बहुत ही टाइट था हवा, टाइट, इतना ज़्यादा भीड़ था, पता नहीं कहाँ जाता है कहाँ आता है लोग फैमिली लेके। शुरुआत हो गया बनाने के लिए। तो गाइस, जो पासपोर्ट का काम पेंडिंग था आज वो शायद कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग प्रे कीजिए। तो अपॉइंटमेंट जो कैंसिल हुआ था आज फिर से हम लोग ने रिबुक किया है, और देर टाइम पे आ गए हैं हम लोग का अपॉइंटमेंट। तो अभी जाके देखती हूँ पासपोर्ट ऑफिस पे, शायद लाइन लगा हुआ है, और मंडे का दिन तो और भी भीड़ हो जाता है लाइन पे। तो आज हम लोग जल्दी निकल के 8:30 को जल्दी से जाती हूँ, 10:30 को है अपॉइंटमेंट टाइम, और ऑफिस 10 बजे खोलता है। लेकिन हम लोग को एडवांस जाके रहना है, बहुत ही भीड़ लगता है। जल्दी काम ख़त्म करके हमको शाम का ट्रेन पकड़ के प्रे करना, आज काम हो जाए। तो चलिए बिना देर करके हम लोग जाके रहते हैं एडवांस, क्योंकि मंडे और ट्यूजडे को हमेशा भीड़ होता है लोग। ये रहा ये वाला गली, ये है प्रिंटआउट शॉप, ये है कृष्ण बस्ती, और ये रहा पासबुक ऑफिस हिंदी। ये है बिल्डिंग, ये वाला बिल्डिंग ड्रेन। चौकीदार बना मैंने। गाइस ये देखिए, अभी कोई भी नहीं है, बहुत पहले हम लोग आके पहुंचा हूँ पासपोर्ट ऑफिस में और वेटिंग कर रहे हैं।
क्योंकि 8-9 बजे के बाद पूरा भीड़ होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए। ये हो गया पासपोर्ट ऑफिस का सर्विस गाड़ी। छोड़ के जा रहा हूँ मैडम जी को। टुक 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 टुक। तो अभी पासपोर्ट ऑफिस से निकल के आ गए हैं ये वाला गली से। काम खत्म होने के बाद अभी यहाँ पे टुक टुक का इंतजार कर रही है, डायरेक्ट जाएंगे अभी स्टेशन। अगर किसी को पासबुक अप्लाई करना है तो कमेंट में बताइएगा, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 1 वीक के अंदर ही पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो देखते हैं कब होगा। और अगर आप लोग को पासपोर्ट अप्लाई करना है तो ज़रूर बताइए, और किसी को पासपोर्ट बनाना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। स्टेप बाई स्टेप बताएंगे आप लोग को कैसे कैसे अप्लाई करना है। और आज इसका पासपोर्ट बनाया है और अपॉइंटमेंट भी ख़त्म हो गया, और 1 वीक के बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो बताइए पासपोर्ट फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, कैसा एक्सपीरियंस हुआ? अच्छा है, एकदम स्पीड है काम, कोई वेटिंग नहीं है, 1 by 1 एकदम सीरियल वाइज। तो कोई नहीं, पूरा स्क्रीन पे दिखा जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से सर्विस करता है गुवाहाटी का पासपोर्ट ऑफिस का जो भी स्टाफ है, बहुत ही अच्छा सर्विस करता है। तो ज़रूर किसी को अगर पासपोर्ट बनाना हो तो, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी पासपोर्ट का भी ज़रूरत पड़ जाता है। चलिए टुक टुक आ चुका है, हम लोग अभी चढ़ जाता हूँ टुक टुक पे। फुटिल आवर हालत पूरा फ्लैट। गाइस अभी स्टेशन पे हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ, रंगिया सिलचर एक्सप्रेस वाला। तो चलिए ट्रेन पे चढ़ने के बाद मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहना। ये देखिए स्टेशन, और मैंने चश्मा भी बदल लिया, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताना कैसा लग रहा है। गाइस हम लोग अभी ट्रेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन ट्रेन रुका है, अभी तक चालू नहीं हुआ। ट्रेन का नाम है सिलचर रंगिया एक्सप्रेस, वहीं से जा रहा हूँ। कल सुबह का ट्रेन भी पकड़ना होगा सिलचर पर जाके। आज पूरा रात ट्रेन में ही रहना है, हो सके तो ट्रेन में ही सोना है। देखो हम लोग का सीट नीचे है, तो काफ़ी अच्छा ही रहा। तो ट्रेन चालू होने दो, पूरा रात बाद ट्रेन पर ही चढ़ के जाना होगा सिलचर तक। और आप सभी को भी हमारी तरफ से गुड नाइट, टेक केयर। टुमारो जितु नो पैखा ओ वाचा पुरु जों नोगी का नोग लांग मानि लेबे ओबो आ लामा या ना जों थुनो समय करन गोन सं खवा छ खाटाव ति कुप्लो फुल फ्लैट इन बदरपुर। सिलचर पे आके पहुंच गई हूं, जल्दी जल्दी में स्टेशन ये वाला ट्रेन से निकल के हम मैं श्री से जाके टिकट बुक करके लाया है। सिलचर टू मनुघाट और श्री में इतना जाम है, इसलिए मुझे ये वाला रास्ता पार होके आना पड़ा है इस सड़क पे। दूसरा ट्रेन कुछ नहीं आ रही उधर से, इसलिए जल्दी जल्दी मैं वहाँ से भाग के आ गई मैं। और ये रहा दूसरा ट्रेन। ओह ये वाला ट्रेन से आई थी हम लोग, और अभी इस ट्रेन से जाएंगे। सीट पे आगे पहुंच गई है हम लोग का, सीट का हालत ऐसा, हम लोग ले रहे हैं इसलिए अच्छे से सीट नहीं मिला। सिलचर स्टेशन पे आके पहुंचा हूँ और ट्रेन में भी चढ़ चुका हूँ, अभी सिलचर से त्रिपुरा की ओर जाने वाला हूँ। यहाँ से 8:30 को यहाँ से रवाना होगा, तो इंतज़ार करते हो। टिकट 70 rupees बाकी माथा बड़ो, और टिकट का जो प्राइस है कितना है? 70 rupees पर हेड, 70 rupees है टिकट का दाम। तो चलिए ट्रेन चढ़ने दो, चढ़ने के बाद आप लोग को अच्छा अच्छा सीन दिखाएंगे जहाँ पे आएंगे, तब तक आप लोग बने रहें। लिविंग सिलचर फाइनली मोनो स्टेशन पे आके पहुंच गई है, हमारे गांव वाला स्टेशन। ये रहा बाहर वाला फ्रंट वाला व्यू। ओह हमारा गाड़ी आ रही है, ऑलरेडी बुक है।
कल्चर। गाड़ी ऑलरेडी बुक है, हम लोग ऑटो पकड़ के सीधा जाएंगे घर। शिवम को थोड़ा सा सब्जी लेना है, बाजार पे थोड़ा रुकेंगे 5 मिनट। 5 मिनट दो खबर में फैला आसन कपड़ा। बहुत धूप है यहाँ पे देखो। तो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुँच गया अपने मोनू पे। अभी 2:35 भी हो गया, बहुत लंबा सफ़र था, पूरा 1 वीक के बाद फिर से आके पहुँच गया। तो चलिए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यही मेरा ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। बहुत ही जल्दी नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक आप लोग सपोर्ट करते रहना, बने रहना। ब्लॉग को अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नया तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नया टॉपिक के साथ।